है, और ये है आलू की आलू सब्जी है है, और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डाल के सब्जी है, और ये रोटी बना। तो पहला बनाने वाले हाँ को नहीं, नहीं नहीं लो, अंदर दिमाग नहीं था, मतलब गुनगुन का बाप जो बोलेगा वो कर देंगी, फोन पे बोल रही है, उसके पापा बोले थे कि यहाँ मत रहो। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, दोस्त के यहाँ से आज हम लोगों ने रूम छोड़ करके हमने फैसला किया है कि हम खुद के रूम में जाएंगे। मैंने एक रूम देखा है, फ्लैट देखा है, तो वहाँ पे आप जा रहे हैं क्योंकि दोस्त के यहाँ कब तक रहेंगे? ये लोगों ने, इन लोगों ने तो हमारे साथ गलत किया ही है, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने फ्लैट पे। क्या राधिका? हाँ सही बात है, बदला लेंगे। इन लोग को तो बताएंगे कि इन लोगों ने जो गलत किया, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग, मैं रूम देख लिया हूँ, वहीं जा रहा हूँ, बाकी आपको दिखाएंगे। आओ चलो। बहुत ज़्यादा ऊपर है वो बिस्तर उस्तर जो वहाँ फेंक रखा था इन लोगों ने, मैं उठा उठा के लाके, जैसा भी टूटा वूटा है कोई नहीं, अभी 2-3 दिन तो है, थोड़े दिन तो ऐसे करना पड़ेगा। तो गाइस अब आपको ले चलते हैं अपने रूम में। चलो यही है अपना रूम। हाँ अभी तो फिलहाल ये देखो गाइस, ये हमारा नया जगह। देखो अब ये सारा ये सामान आप देख रहे हो ना, ये सब फेंका हुआ था, सब सेट करना पड़ेगा अभी, तो सेट करना पड़ेगा, फेंका हुआ था वहां से उठा के लाया हूँ। और ये देखो ये सारा सामान फेंक रखे थे यहाँ पे। तो ये हमारा रूम है, और यहीं पे हमारा, इधर आप देखो, इधर आपको वॉशरूम दिख जाएगा, ये हमारा वॉशरूम है। ये देखो गरीबी की जिंदगी कैसा लग रहा है आप इस घर में आकर के? ठीक लग रहा है वैसे, ठीक लग रहा है। यहाँ पे किसी को घुसने, किसी और के घर में रहने से तो अच्छा है ना, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, पर अपना तो है। और किसी घर पे कितने दिन तक रह सकते हैं? सही बात, बंदा एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा। ये अभी फिलहाल बिस्तर यहीं पे बिछाए हैं, यहीं बेड उठो, और बेड के लिए तो यहाँ तो वहाँ तो था, यहाँ नहीं। कुछ दिन में देखते हैं, तो कुछ दिन में, 2-3 दिन में मैनेज कर लेंगे। अब जो अब आए हैं अभी इंस्टेंटली, अब देखो क्या करना है, यहीं रहेंगे। इन लोग को ना दिखाना पड़ेगा, ये मतलब यार पीछे हम लोग घूमने के आ गए, ये लोग मतलब पूरा ये कर दिया। चलो खाली कर दे, कोई बात नहीं। सही बात है। और मम्मी के अंदर देखो ना, मम्मी के अंदर, मम्मी के, मम्मी के अंदर दिमाग देखो ना, मम्मी के अंदर दिमाग नहीं था, मतलब गुनगुन का बाप जो बोलेगा वो कर देंगी, फोन पे बोल रही है, उसके पापा बोले थे कि यहाँ मत रहो, राधिका की मम्मी चिक 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 करती है, इसीलिए बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। राधिका के पापा का ऑप्शन भी तो तुम लोगों ने दिया था, गुनगुन को फोन करके सुनाऊं? क्यों सुनाता हूँ ना, अभी भी चैन नहीं है क्या? मतलब यहाँ चैन क्यों? मैं बोल रहा हूँ सुनाऊं ना कि भाई क्या है मेरी मम्मी को। काम करो, तुम उसके साथ जाके वहाँ रह लो, तुम्हारा दिमाग वमाग ठीक है नहीं है, तुम्हारा हट जाओ, घूमने जाओ तो भी यही पंगा है, यहाँ रहो वहाँ जाओ तो भी यही है चिक चिक बाजी। भाई मैं तुम लोगों से थक गई हूँ। तो ठीक है, नहीं करता हूँ फोन, बैठो आराम से रहो, अपने मम्मी से बात कर लो, कर लूंगी, बता दो मम्मी को कि हम लोग यहाँ पे आ गए, आराम से रह रहे हैं। ऐसे ही बताया मम्मी को, मैंने बता दिया था फोन पे, वो तो बोल रही थी मुझे वहाँ जाओ। मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ मम्मी। अरे मम्मी अब मैं कहीं भी रहूँ, आपको क्यों इतना चिंता हो रहा है? आप गुनगुन के पापा के साथ रहो ना वहाँ पे, नहीं तो आप गई क्यों थी? हाँ मैं देख लूँगा, मैं जैसे भी हूँ जहाँ भी रहना होगा रह लूँगा। 4 दिन में अब आपको याद आ रही है? हर चीज करने के बाद याद आ रही है, हद हो गई है। नहीं आप उसके घर पे, गुनगुन के घर पे आप गई क्यों? मुझे फोन नहीं किया गया था आपको? अब मुझे फोन करती ना भाई, बताती ना। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, जो बात है वो आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, राधिका के साथ ही हूँ। ठीक है आप रखो, हद है यार, अब फोन कर साथ रहना भी नहीं है, उधर भी रहना है, पूछना भी हर चीज। पर मैं तुम्हारी मम्मी का कुछ समझ में नहीं आता, या तो तुम क्लियर कर लो किसके साथ रहना है, क्या करना है। ठीक है, किसके साथ रहना, क्या तुम्हारे ही साथ रहना है और क्या करना। देखो कुछ खाना वाना बनाओ जाकर, भूख लग रही, कुछ बना लो, लेके आया सामान जो बना दो। तो मैं जा रहा हूँ नीचे, जब तक तुम किचन में देखो ना, मैं सामान, ठीक है मैं सामान यही है अभी जो भी है, और बाद में बाकी सेट करूंगी मैं। ये जो चूल्हा आप लोगों को दिख रहा था, पहले भी दिखा होगा वीडियो में, यही बचा पड़ा था उन लोगों ने बाहर जो रखा था, फिर जल्दी जल्दी में तो फिर यही लेके आ गए, जब तक थोड़े दिन तक तो काम चली जाएगा। और वो नीचे गए हैं, देखते हैं कुछ लेके आते हैं। आलू तो है ही यहाँ पे, प्याज था नहीं तो लेने गए नीचे, बाकी आते हैं लेके आते हैं तो कुछ बनाऊंगी। हाँ ले, प्याज खत्म था ना, ये लो बनाओ, आलू आलू काट लो, लाओ मैं काट देता हूँ। नहीं मैं काट देती हूँ। प्लेट प्लेट नीचे से निकाल लो, देखो कुछ जो जो बचा हुआ था किचन का सामान वो मैं ले आया था, निकालो है कुछ तो है क्या? आलू ही बना लो ना, ये पीले चावल बना लो, कुछ ऐसा बना लो, भूख भी लग रहा है। बैठो जब तक, ठीक है तुम करो बनाओ,
तो गाइस ये अब जिंदगी यही बच गई है, मतलब इन लोगों ने, मतलब वहाँ पे इतना सारा चीज था, बेड था, सब कुछ था, लेकिन ये तुरंत से ही, पता नहीं मेरी मम्मी को भी क्या समझ में आया, राधिका के, गुनगुन के पापा ने क्या उनको पढ़ाया, वो भी खाली करके निकल गए। अब मुझे रोज़ फोन कर रहे हैं, क्या हाल है, कहाँ है, आ जाए यहाँ गुनगुन के घर पे, आ जाए यहाँ, आ जाए, मैं क्यों जाऊँगा भाई उसके घर पे। तो मेरे बस की जितना हुआ मैंने ये वाला घर लिया है और अब हम दोनों ही रहेंगे, अच्छा इन लोग के चिक चिक से भी दूर रहेंगे। राधिका कुछ नहीं, छील रही हूँ आलू। ऐसा लग रहा है पहली बार छील रही हो भाई, टाइम तो लगता है ना, तो जल्दी बना, एक काम करो तुम ही छील लो। हाँ तो मैं छील दूंगा भाई, छीलने नहीं रहने दो तुम, ऐसा थोड़ी नहीं मुझे काम करना, नहीं बन गए फिर पूरा खाना बना के खिला सकता हूँ भाई, नहीं कुछ नहीं आता बनाने मुझे, तुमसे ज्यादा आता है, दिखता है वो तो। हाँ दिखता है। हाँ टाइम लग रहा तो बताओ, बाहर से कुछ लियो, मर्जी है, जब नीचे गए तो ले ही आते, तो बना लो ना, तो वो तो बना, अब तो छील रही हूँ तो बनाऊंगी, और खा भी लेंगे बाहर का खाना, वहाँ खा खा के एकदम पक गया, मतलब चावल दाल सब्जी ऐसा कुछ जो है ना, रोटी सब्जी ऐसा कुछ वहाँ पे मिलता नहीं था भाई, बाहर का ही खाता वहाँ पे, चाइनीज ये वो सब ज्यादा मिलता था। हाँ। है ना। कोई नहीं, आज खाएंगे पीले चावल। तो हमारा आलू छिला जा रहा है यहाँ पे गाइस, अकेले की जिंदगी ऐसी होती है। चलिए आप तैयार कीजिए, मैं बना दिया। चावल तो बनाए नहीं मैंने। अरे यार रोटी बनाए, मैं बोला था पीले चावल बना लेते हैं। वहाँ पर भी तो खाई थी एक दिन चावल, मैंने सोचा रोटी बना दो प्रॉपर, खानी हो जाए। चलो ठीक है, कोई भी चीज़ खाने से मतलब है। तो गाइस पहला खाना हमारे घर का बन गया है और ये है आलू की सब्जी है और शिमला मिर्च, शिमला मिर्च डाल के सब्जी है और ये रोटी बनाओ। तो पहला बनाने वाले को, नहीं नहीं लो, हाँ अब मैं खा लूँगा, बहुत अच्छा बना हुआ है, अब टेस्ट करके बताऊंगा ना। सही बनी है। तो गाइस मतलब आप देख, ये जो स्वाद है ना घर का, ये घर वाला स्वाद सा, मुझे बहुत दिन बाद ये स्वाद मिल रहा है। बाहर के कितना भी आप खाना खा लो, कुछ भी खा लो, ये घर वाली जो चीज़ होती है, ये रोटी, ये सब्जी, ये बाहर नहीं मिलता है। आ जाओ राधिका, लाओ पानी, सुकून की जिंदगी यहाँ पे, ऐसी रहेंगे, यहीं पे खाना खाएंगे, यहीं पे सोएंगे राधिका मैं, और यही जिंदगी है हम लोगों की अभी। बाकी आगे काम उम करेंगे तो आगे देखेंगे भाई, बेड भी ले लेंगे, सब कुछ लेंगे, अभी तो फ्रिज भी नहीं है, गर्मी भी आने वाली है, उसके लिए भी करना है, तो काम करेंगे। आप लोग सपोर्ट करोगे अगर मेरे व्लॉग को, आगे बढ़ूंगा तो फिर सब कुछ सेट भी हो जाएगा। देखो गाइस हमारे पास पानी पीने के लिए भी है, ये चल रहा है, गिलास भी है, खा लो, ये जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। तो ठीक है गाइस, फिर हम लोग जो है खाना खाते हैं, उसके बाद खाना वाना खा के फिर थोड़ा सफाई वफाई भी करना है, और क्या क्या महीने भर का राशन वासन वो भी ला के यहाँ पर भरेंगे। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे और मैंने अच्छा फैसला लिया या नहीं लिया अलग हो करके, यहाँ पे अच्छा हुआ चलो वो घर छूटा, अब यहाँ पे हमने जो फैसला लिया आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके बताना, और अगर आपको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ राधिका के साथ रह करके, सपोर्ट करो, कमेंट करो, सबका कमेंट पढ़ूँगा। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं।